आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नजमुद्दीन शेख। कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। आए दिन कोरोना मरीजों को उपचार के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। आम मुस्लिम जमात सेंधवा शहर की एम्बुलेंस के माध्यम से सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। एम्बुलेंस बड़वानी खंडवा इंदौर तक मरीजों को छोड़ने की सेवा लगातार दे रही है। आम मुस्लिम जमात के सदर सैयद अफजल ने बताया कि आज सरकारी अस्पताल से मरीजों को कोविड केयर सेंटर जामली छोड़ने हेतु निःशुल्क रूप से एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। ग्यासुद्दीन जिंदरान ने बताया कि आम मुस्लिम जमात की एम्बुलेंस लगातार सेवा दे रही है। दिन रात कोविड मरीजों को इंदौर खंडवा बड़वानी धुलिया सहित अन्य शहरों तक एम्बुलेंस के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। निर्धन लोगों से एम्बुलेंस का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के इस दौर में एम्बुलेंस सेवाएं लाइफलाइन साबित हुई है। ग्यासुद्दीन जिंदरान ने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर सहित सुविधाएं उपलब्ध है। एम्बुलेंस में मरीजों को लगातार ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलती रहती है। वहीं 24 घंटे सातों दिन एम्बुलेंस सेवाएं देने के लिए 3 ड्राइवर तैयार रहते हैं। ये आम मुस्लिम जमात की एम्बुलेंस ने आज जो सेवाएं दी, क्या कहना चाहेंगे? हम जो उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए हम आभारी हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ, और बहुत ही अच्छा रहा और आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे। आम मुस्लिम जमात शहर सेंधवा हमें जो एम्बुलेंस हम चला रहे हैं 7 महीनों से चल रही है और हर धर्म और हर मजहब के लिए काम में आ रही है। कोविड 19 के दौर में हम 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं और इसमें सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर ये सारी सुविधा है। और सैयद अफजल अली साहब ने ये बताया था कि आज सिविल अस्पताल शहर सेंधवा से हमें पेशेंट उनको लेकर जामली कोविड सेंटर जाना है, तो आज निःशुल्क दिन भर चली है एम्बुलेंस और उनको हमने छोड़ा है।